बहुत जोर लगा तो कम हजार दो हजार कम कर भाई। ये कौन सा बयान में है? पहला में इसका दूध कितना होगा नीचे? दूध 10 लीटर बोल रहे हैं, टाइम का 5-5 लीटर है। इसके नीचे बच्चा क्या है अभी? बच्चा पढ़िया है। जरा कीमत बताइएगा प्यारा सा देने वाला। इसका 95,000। कुछ कम भी होगा उसमें? भाई बोल रहे हैं कि इसका जो कीमत है 95,000, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कीमत कम हो सकता है, ठीक है ना? आपके देखने से किस रेट में होना चाहिए ये भैंस? अरे 80-80 के भाई, 80-80 के आसपास। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि नीलेश जादव महाराष्ट्र, कौन सा जगह है? पुणे से आए हैं ये लोग, दिलदार नगर के पशु मंडी में भैंसों की खरीदारी करने के नियत से। और भाई कुछ अच्छी अच्छी भैंस देखे थे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये लोग खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बताइए मेला मंडी के बारे में बताइए थोड़ा। अच्छी मेला मंडी, मेला मंडी अच्छी है। और आज भैंस कुछ कम संख्या में दिखाई दे रही है, भैंस की संख्या कम है, कम है, लेकिन यहाँ पे दाम कम आपको करना पड़ेगा थोड़ा। तो आज चलिए मेला मंडी में और देखते हैं कुछ भैंसों को। लोग देख रहे होंगे बहुत सारी भैंस यहाँ पे, लेकिन आज के इस मेला मंडी में कुछ भैंसों की जो संख्या कम है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि इस समय जो बयान होता है भैंसों का बहुत ही कम हो जाता है। जी अभी अभी एक भैंस बिकी है, कितने में बिकी है जरा? दाम कितना हो? 60,500। देखिए आपके सामने बड़े दूर से भाई आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं भैंस खरीदने के लिए, तो इनको कुछ हिसाब किताब से भैंस देने का कष्ट करें। हाँ तो लिया है, तब ना हमारा पसंद करो, लेंगे ना? आप हिसाब से दीजिए, ये लेंगे। आपके पास कितनी भैंस है? 3 है, एक ब्याई है, 2 गाभिन। ये ब्याई है और ये गाभिन है? 2 गाभिन है। आपकी भैंस को वो लोग देख रहे हैं, जरा आप हमें ये रेट बताइए, इसका रेट क्या है? इसका तो 1.5 है। 1.5 है, 1.10। इधर वाले का? इसका 62,000। 62,000। नीलेश भाई नाम बोलिए, पता बोलिए, सब बताइए। यहाँ नीलेश जादव, जादव नीलेश यादव, एक नंबर ये भैया। नीलेश भाई पूरा एड्रेस बताइए, फादर का नाम बताइए। नीलेश चलो ठीक है, ठीक है चाचा, पास कर दिए ना, घुमा दो भाई। भैंस ठीक है ना? अरे तो कुछ बताइए अपनी भाषा में, बताइए मराठी भाषा में, बताइए इस भैंस के बारे में बताइए। ये म्हैस मला 5 झाली, हो मी आता ते तिला घेतलेली, हो मला आवडलेली म्हैस, हो आता मी घेऊन चाललेलो आहे, व्यवहार झालेला आहे, हो आणि व्यवहार आमचा 62,000 रुपयात
लाले लाई। अब इसको हिंदी में बोलिए ताकि हिंदी वाले भी भाई जाने। नीलेश भाई आप बोलिए, हिंदी भाषा में बोलिए इस भैंस के बारे में जो अभी अभी आपने खरीदी है, क्या मांग रहे थे इस भैंस का कीमत और आप कितने में खरीद लिए? इस भैंस का कीमत आपका खाता खुला है इसी से ना, बोलिए। 85 मांग रहे थे, हमने 62,000 में लिए। ओके, दूध कितना है? दूध तो 10 kg देगी, 10-11 kg देगी। बच्चा खोलो बच्चा। नीलेश भाई की ये पहली भैंस थी जो अभी अभी खरीदारी किए हैं, करीब 1.5-2 घंटे से घूम के, यानी काफ़ी लंबे समय से घूमे हैं इस मेला मंडी में, तब जा कर के इस भैंस को लिए हैं। हाँ, इसको ले जाइए वहाँ पे बधवाइए जहाँ पे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो जो पर्ची बनती है 400 में बनती है। एक आदमी चल जाए, एक आदमी चल जाए। 62,000 वाली पर्ची है पहले भैंस जो है। अनिकेत भाई आप अपने मराठी भाषा में भी बताइए इस भैंस के बारे में, मराठी भाषा, ताकि लोगों को मालूम चले, और इस मेला मंडी के बारे में बताइए कुछ। मंडी तो मंडी एक नंबर आई, हा बाजार चांगला आहे, पण आम्ही म्हैस घेतोय पण आमचा काय व्यवहार होत नाही आहे आतापर्यंत। आम्ही भरपूर म्हशी पाहिल्या पण आमचा काही व्यवहार जमलेला नाही, आणि ते जरा जास्तच किंमत सांगल्यामुळे आम्ही पण थोडं नाराज आहे। पण बघू आता, आम्हाला जसं भेटेल तसं आम्ही घेणार आहे त्या म्हशी। आता या म्हशीकरता किती बोलतायत नंतर आम्ही विचारतोच, विचारणार आहे, विचारतो पहिलं काय बोलतायत काय नाही, किती रेट, किती किंमत सांगतायत किती नाही, किंमत विचारल्यानंतर आम्ही तुम्हाला बोलूच। आपके देखने से ये देखिए, आपके सामने दो दो भैंस को दिखाया जा रहा है। हाँ, आपके महाराष्ट्र में पुणे में हाँ इस तरह की भैंसों की मांग है ना? मांग है हमारे पास बहुत है। ओ, उधर का जलवायु कैसा है? हमारे इधर जैसा इधर हर साल रहता है बारिश, ठंडा मौसम और कड़े ऊन का। अच्छा, वैसा ही हमारे इधर भी 4-4 महीना के वैसे ऋतु रहता है। अच्छा, अभी हमारे इधर भी गर्म होने वाला है। अच्छा, अभी फिर हमारे इधर जून के बाद बारिश चालू होता है। अच्छा, इधर की भैंस कैसी जा रही है उधर? इधर की भैंस कैसी, टिकाऊ है या फिर क्या है, दूध देती है? हाँ, दूध देती है। हमारे इधर अभी इधर तो तुम्हारे इधर का खाना अलग और हमारे इधर का खाना अलग ही रहता है। हाँ, ये भैंस कितने में हो रही है? 73-75 ये बात नहीं ना, तो लीटर 50 रुपया। हाँ, जाओ 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 जाओ, देखो 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 वो बस लिए 73,500। ठीक है बाबू, हमारा नहीं हो रहा है, खरीद नहीं आ रही। तो कितना पर हो जाए? 72 कल है ना, 71 पर ले जा, 350 छोड़ा है ना, ना नहीं नहीं बड़ा जाए तो मत बड़ा कर पाना।
लगा बच्चा ना अरे कहाँ लगा देखो तो बच्चा भी है बच्चा वहाँ कितना ठग रहा है इरेंज चल रहा है ढलक पकड़ के पांच बार पकड़ी ना चलो पांच बार कम सुपर है इसके चौपे पे तेरे फोटो खींच रहे हो तो भाई हाँ हाँ मरना है भाई सिंह घुमा तो ओकर खींच बना चलो वो बस का यही है अजय भी तीन फोटो डाल दिए के दाम बताइए भैया दाम 80-75 मत कहो बताओ कैसे घर हाँ कुछ दाम खाई नहीं हो रहा नीलेश भाई यही भैंस खरीदते हैं अभी अभी ये कितने में 65,500 दूध कितना बताया गया है 10 kg बच्चा पाड़ा बच्चा पाड़ा 65,500 में 65,500 नीलेश भाई ये कितनी भैंस है पांचवी है कि छठवीं है पांचवी भैंस एक घंटे में 14-15 दूध आपको मिलेगा हमको उसमें से 4 लीटर दूध चाहिए बस इसके बाद आपको भी मिलेगा बहुत भैंस है बहुत दूध निकल जाएगा एक भैंस का दुआ दें हाँ निकलेगा निकलेगा दूध का मार्जिन चू भैंस ये हुए दोले बनोगा कहाँ जाने हम बता ना हाँ 1,500 रुपया भाई जी इनके कॉले बलों को दोबारा कॉले बलों को दूर आता है दीपक ठीक मेरे बच्चा ठीक बात और जब है तो आता ना ले बतिया बाबा दीपक वो है दूर नीलेश भाई यही एक गाभिन भैंस खरीदे हैं इसको बच्चा देने में अभी कितना समय लग सकता है अरे 8 दिन लग जाएगा ये कौन से बयान में होगी आपके देखने से तीसरे हुए तीसरे और लगभग दूध कितना आ जाएगा आपके देखने से 9-10 किलो दे देगा 9-10 किलो दोनों टाइम में ये जो भैंस देख रहे हैं यही भैंस नीलेश के द्वारा ली हुई है जो महाराष्ट्र पुणे से आए हैं ये गाभिन भैंस है और इसी के बारे में बातें हो रही थी जो अभी अपने पीछे आप लोग आराम से मार देना खराब होगा छोड़ देना अच्छा होगा ले लेना घाटा लगा तेरे के जो बच्चे बने नहीं हो भाई जो ले जाओ कुछ पा लेते हैं क्या लियो कहाँ ना पुत्ता खड़ा है आज एकदम है जा उतना ले लेते हैं
बहुत बहुत नहीं भाई पत्नी चमेल का दाम भैया बड़ा भाई 400 दिखाई दे दो दिखाई दे का नाम है आपका का नाम है सुरेंद्र कहाँ से आए हैं बिहार ले अच्छा वीडियो वाला हो तो सही है ठीक है नहीं नहीं सही है जिस हिसाब से इसका रेट आजकल मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है और नजदीक से ले ला भेजू मज घुमा दो संग हो कोई लोग नहीं कर रहे चलो चलो हो जा बांध कुछ आप पहुंच रहे हो सुरंदर मैं ना पीछे बैठ रहा हूं नीलेश भाई अभी भी वो जो भैंस लिए वो कितने में लिए हैं 72-500 अनिकेत भाई हाँ ये कौथी भैंस है नौवीं भैंस है नौवीं भैंस हाँ नौवीं भैंस है हमारे इसको पार्टी बोलते हैं पार्टी पार्टी बोलते हैं पार्टी इसको हम लोग पणिया बोलते हैं लिखा हो बोलो बनवाया
निलेश भाई ये भैंस कितने में है? 68,000 रुपये। 68,000। ये जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये शाम के वक्त का है, इसीलिए बहुत सी भैंसों की आप लोग कमी देख रहे होंगे इस मंडी में। इधर देखिए बांस बल्ली जो तंबू है सब उखाड़ा जा रहा है, नीचे किया जा रहा है। भाई क्या है ना, ये 1,00,000 रुपए से ऊपर बोल रहे थे इसीलिए इसको छोड़ा जा रहा है। 15,000 बेचनी है भाई, देख पहले ओकर दाम कहिए। तंबू हम हर पाल के लेबे और का नाम दाम तो मांग दिए 25। नीलेश भाई जो यहाँ पे डट के सौदा करता है उसी की बात बनती है, और जो मैदान छोड़ के भाग जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। चल अब तो थक गए होगे, पूरे शाम हो गया। मत रंग पांच बजे के लिए बाबले बाबले संग नीलेश भाई कुछ कहना चाहेंगे मंडी के बारे में? आपने यहाँ से करीब 9 भैंस खरीद रखे हैं अभी तक, एक भैंस और लेंगे, हो सके तो एक और ले लेंगे। मंडी का रेट अभी बहुत टाइट है, टाइट है। लोगों को बोलेंगे यहाँ पे आने के लिए या ना? इस टाइम तो मत आ जाए करो, इस टाइम बहुत रेट टाइट है अभी। रेट टाइट है, रेट टाइट है, बारिश के मौसम में। और जिसका बजट बनता हो तो क्या वो ना आए? वो आए ना, जिसका बजट बनता है वो आए, जिसका बजट बनता है वो आए, जिसका नहीं बनता वो ना आए। अभी इस टाइम सस्ती भैंस नहीं है मंडी में, बहुत महंगी पैसे। बोली कितने पे? 62,000। भाई पूरी 10 भैंस होगी या 10 हो गई और 11 लेंगे। नीलेश भाई इसमें क्या देखा जाता है जरा लोगों को भी बताइए। बात में कोई गाड़ देखना हो, अच्छा ठंड ठीक से हो, दूध बड़ा बनाता हूँ। अच्छा चारों थनों से बराबर दूध आता हो, बढ़िया धार हो। देखो भाई का 10 को पूरा हो गया, 10 को हो गया। ये आपकी 11वीं भैंस है और रात का वक्त हो गया है, 11वीं भैंस आपका लास्ट वाली भैंस होगी ना? और भी लेंगे इससे ज्यादा? नहीं नहीं लास्ट लास्ट। एक बार बताओ कितना
81,000 से नीचे ना होई तो चले बतलो हमें तो गिरोले पे ए मदद लगाओ ना धरिए ना फोड़े ना का करके बा आ जा भैया पूछो तेल लियो तेल लियो हां तू तू मत रुक जा मां फोड़ ले पे तो अरे बच्चा अभी अभी ताजा ताजा पैदा है ना खड़े नहीं हो तो धर पीछे कल सवेरे फोड़ेंगे खड़ा नहीं हो पा रहा कल सवेरे तोड़ेंगे ना अरे दूहल बहत्तर हजार मिल रही पचहत्तर भैं बेचल जगह तो ले जाए दूध खातिर राजा रही भैं काटी मार दे तू हर देख ले तू देख ले तू देख ओके ओके ये खाली फगुआ के मारे बेचाते के चलो भाई चल जरा हम के का कर मैं तो भौ जाइयो उदास ले ले बन सुन बते हां सीव का भाई ये भाई करी ये भाई सुनील तो वीडियो हो गई।